आज जो कांग्रेस का आज का कंडक्ट है यह कोई नया नहीं है आज की कांग्रेस पार्टी का एक सीधा मंत्र है परिवार का हित जब तक संसद साधेगी तब तक संसद चलने दिए जाएगी और जहां परिवार का हित होगा वहां संसद में बाधा रखी जाएगी द मोटो ऑफ कांग्रेस पार्टी इज प्लेन एंड सिंपल लॉन्ग एज

99 में याद करिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति भवन के सामने कहा था कि हमारे पास दो की मेजोरिटी है अटल जी की सरकार को गिराने के लिए और उसको प्रूव नहीं कर सकी वो बाद में सारी कंट्री ने देखा 2001 में जॉर्ज फर्नांडिस को ये बोलने नहीं दिया करते थे याद है ना आपको उनका एंटी कांग्रेस क्रेडेंशियल्स बहुत वेल नोन था तो ऑलमोस्ट मार्क जॉर्ज फर्नांडिस तो मैंने कुछ आज ऐतिहासिक बातें आपके सामने रखी हैं आज की कहानी क्या है कांग्रेस पार्टी अभी तक रिकंसाइल नहीं कर पाई है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और जनता उनको बार बार जिताती है बीजेपी को हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी इज नॉट एबल टू रिकनसाइल टू द फैक्ट दैट द कंट्री इज रिपोजिंग इज ट्रस्ट इन नरेंद्र मोदी जी इन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन एंड कांग्रेस पार्टी इज गेटिंग डिफीटेड इन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आसाम में तो हार गई इनका शायद बंगाल में खाता भी नहीं खुला ना खाता भी नहीं खुला ये इनकी लेटेस्ट पोजीशन है अब आप देखिए संसद में चले हम राज्यसभा में भी हमारी हमारा बहुमत नहीं था अब हो गया है उसके करीब हम फिर भी हमने चर्चा किया संवाद किया और राज्यसभा में कई बिल पास हुए पिछले सात साल में आपने देखा होगा अब ये कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि आपने क्या किया था हम भी वही करेंगे ये कोई तर्क है क्या आप 2G को डिनाई करते थे याद करिए जीरो लॉस 2G में लोगों ने जीरो लॉस की बात कही थी यह कोल स्कैम को डिनाई किया करते थे सुप्रीम कोर्ट ने सारे लाइसेंसेस को कॉश किया और टिप्पणी की आप सब आपके सामने है सीएजी की रिपोर्ट के बाद तो चाहे वो सीवीसी का अपॉइंटमेंट हो या 2G हो या कोल स्कैम हो इसको बिल्कुल स्टोन वॉल करना तो ये आज देखिए चाहे वो चाइना पर बहस हो या कोविड पर चर्चा हो इनकी गंभीरता कोविड के लिए सिर्फ इतनी ही है कि प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी पर भी कांग्रेस पार्टी नहीं गई जहां कोविड के सारे विषयों के बारे में पर्याप्त प्रेजेंटेशन किया गया याद है ना कि एक बार कांग्रेस पार्टी के यूपीए में कांग्रेस के एक एम ने वो मिर्ची वाला स्प्रे थ्रो किया था हाउस के अंदर याद होगा आपको तो आज ज देश को कांग्रेस पार्टी की एंटीसीडेंट्स को बताने की जरूरत है किस तरह से वो संसद को गंभीरता से लेते हैं आज हम चर्चा करने को तैयार हैं का स्टेटमेंट हुआ तो मंत्री के सामने उसको फाड़के फेंक दिया गया उनके स्टेटमेंट को आपने देखा होगा कोई गंभीरता नहीं है लेकिन आज मैं एक बात देश के सामने दोबारा रखना चाहूंगा मैंने इसको पहले भी कहा था जब मेरी कोई पंद्रह दिन पहले प्रेस हुई थी आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका इनका फोन टैप हुआ है? हैज एनी रिस्पॉन्सिबल क्वार्टर गिवन एनी प्राइमा फेसियाई एविडेंस दैट दीज फोन नंबर हैव बीन टैप्ड नो संसद के शुरू होने के पहले कुछ नंबर मार्केट में आ गए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आए जिनका एंटी मोदी एजेंडा बहुत ऑब्वियस है एंटी मोदी जी एजेंडा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जिस कंपनी ने भी कहा कहा कि ये नंबर हमारे पास आए हैं लेकिन स्पेसिफिक नंबर का सही में सर्वेलेंस हुआ है इसका एक एविडेंस आया है कि आज तक किसी स्रोत के द्वारा आज हमने अखबारों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज का नंबर दिया गया जब वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा हमने वो फोन 2014 में ही सरेंडर कर दिया तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। नो प्राइम ऑफ एविडेंस आई रिपीट नो प्राइम ऑफ एविडेंस एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन ए कैंपेन और बाई मेनी ऑफ द एलिमेंट्स होस्टाइल टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट कम्स आउट सिर्फ uh, संसद के कुछ दिन पहले यह पूरी कहानी शुरू की जाती है तो यह हम आपसे बार बार कहना चाहेंगे कि यह जानना बहुत जरूरी है चर्चा होगी हम चर्चा करने को तैयार हैं कहने के लिए बहुत कुछ हमको है काफी तीखे सवाल हमें कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं पूछेंगे हम लोग लेकिन एक सवाल बहुत गंभीर है क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से चर्चा चाहती है या विपक्ष लोग चर्चा चाहते हैं क्या बस कीचड़ उछालना और वॉकआउट करना यही तो इनका अतीत का तरीका रहा है अभी संसद में क्या हो रहा है कितना अधिक पीड़ा दोनों प्रोजाइडिंग ऑफिसर्स ने प्रकट की है यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है यह जरा मुझे बताइए कि यूपीए सरकार में कैसे बिल पास हुआ था 2007 में मेरे सामने ज्यादा नहीं कुछ बिल की चर्चा में करूंगा कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2007, थाउजेंड सेवन टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स उज सेवन ऑल इंडिया मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल रिसर्च एक्ट टू थाउजेंड सेवन एंड इन दाउसनीस्ड तो आप काम नहीं करने देते आप संसद में ईमानदारी से चर्चा से भागते हैं अभी तक कोई गंभीरता से एविडेंस नहीं आया है और एक सौ तीस करोड़ रुपया अभी तक ये जो पूरा डिस्टरप्शन हुआ है दे हैव कॉस्ट द एक्सचेकर आवर प्राइम ऑफ एशिया कैलकुलेशन इज दैट द दैटेकर हैज सफर्ड ए लॉस ऑफ वन थर्टी करोर इन द टू सेशन इन दीज टू हाउसेज डिसरप्शन फॉर द लास्ट ऑफ मेनी डेज तो हम दोबारा कहना चाहेंगे कि आज के संसद का सम्मान कांग्रेस के संस्कार में नहीं है जबकि कांग्रेस पार्टी ने देश पे इतने लंबे समय तक राज किया है संसद तभी चलेगी जब उनके परिवारों के हितों का साधन होगा लॉन्ग एज द डायनेस्टिज इंटरेस्ट इज पार्लियामेंट पार्लम अलाउड टू फंक्शन वी फ्रॉम द बीजेपी आर रेडी फॉर ए डिबेट मीनिंगफुल डिबेट चाहे वो पेगा हो या आपके किसानों का विषय हो कितनी अच्छी चर्चा हुई थी कोविड पर याद करिए आज मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं राज्यसभा में कोविड पर इतनी अच्छी चर्चा हुई फिर नेक्स्ट डे बॉयआउट हो गया क्योंकि डांट पड़ी होगी कि क्यों चर्चा कराया और यह देखिए नेक्स्ट डे दे जो प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी उसमें कोई नहीं आया कांग्रेस की ओर से तो यह सारे सवाल हैं एंड आई रिपीट नो प्राइमा ऑल इसलिए आज मुझे लगा कि देश को यह बताने की जरूरत है गंभीरता से और हम देश में इसको और विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट का डिसरप्शन कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि बाकी पार्टियां उससे आगे निकले यह भी एक सवाल है